वेलकम टू आर्ट्स एंड पेपर। मैं हूं आपका दोस्त तंजील और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम दो पिक्चर्स को आपस में इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी पिक्चर सिलेक्शन कर लें। जो मैंने पिक्चर सिलेक्ट करी हैं वो है कि बीच के लिए ये सिलेक्ट करी है मैंने टर्टल को, जिसको मैं जो कलर मोड से चेंज करूँगा, मैनिपुलेट करूँगा, उसके लिए मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट करी है। और शेड्स के लिए मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट करी है। और फाइनली इसको थोड़ा सा कलर टच करने के लिए मैंने ये पिक्चर सिलेक्ट करी है। सबसे पहले अपनी पिक्चर्स को अपने आर्टबोर्ड पे इंपोर्ट करवा लेंगे। तो ये जो बीच की पिक्चर है कॉपी करें और अपने आर्टबोर्ड पे पेस्ट कर दें। तो आर्टबोर्ड का साइज़ मैंने लिया है वो है 1920x1080। तो ये जो स्क्रीन साइज़ होता है बेसिक, तो इसको सबसे पहले हम अपने आर्टबोर्ड पे सेट कर लेंगे कंट्रोल टी और ट्रांसफॉर्म करके इसको हम, तो आपका एरिया साइज उस पर कवर कर लेंगे। तो ये मैंने, ये जो प्लेसमेंट है ये बिल्कुल सही है हमारे एरिया के लिए, क्योंकि मुझे इसमें स्काई से बहुत ज़्यादा लिंक करवाना है अपने जो सेकंड पिक्चर है, तो इसलिए मैं स्काई ज़्यादा रखूँगा और जो नीचे बीच है वो थोड़ा कम रखूँगा। तो ये हमारा टर्टल की पिक्चर है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। ये पिक्चर इस तरह से आ रही। तो इसको हम कलर मोड से प्ले करेंगे और देखेंगे कौन सा इफेक्ट सबसे ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमारे नीचे, जो सबसे ज़्यादा ब्लेंड किसके साथ हो रही है। तो ये दो मोड्स मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं, एक ओवरले और एक हार्ड लाइट। तो इसको हम ओवरले से प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हम रिमूव करेंगे, तो उसको मास्क करेंगे हम। हमें सिर्फ टर्टल चाहिए बेसिकली यहाँ पे। तो इसको हम ग्रेडियंट लेके और आपका जो ब्लैक है वो ऊपर होना चाहिए, यहाँ से नीचे से ब्लेंड करेंगे। तो ये इस तरह से पिक्चर आपकी होगी। इसको अब हम और प्रोमिनेंट करेंगे और इसके जो शेडोज़ वगैरह हैं उससे भी प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी कॉपी लें हेयर की कंट्रोल जैसे, और इसको ट्रांसफॉर्म करके वर्टिकल कर दें, इस तरह से आ जाएगी। तो हमें शेडो देना है, तो इस तरह से हम इसकी कॉपी लेके इसका शेडो देंगे और इसको आप रेस्टराइज करके कंट्रोल यू प्रेस करें और इसके सैचुरेशन बिल्कुल माइनस की तरफ ले जाए। तो ये इस तरह से शो। अब इसके बाद हम इसके शेडोज और पिक्चर को प्लेफुल करेंगे थोड़ा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे शेड्स देना है और इसको थोड़ा डार्क करना है। तो एक लेयर लेंगे आप और उस पर ब्लैक लेके आप प्ले करना शुरू करेंगे और इसको आप ऑफ लाइट कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा डार्क मोड पर आ जाएगी और जो आपको डार्क चाहिए आप उसको इस तरह से और प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो ये आप जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको वो एरिया थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है तो आप उसको वहाँ से ब्रश से पेंट कर सकते हैं। के बाद हम यहाँ पे इसके जो हमने एक लेयर कॉपी ली थी इसको हम थोड़ा सा लेवल और ब्राइटनेस की बढ़ाएंगे। पहले इसके लेवल हम प्ले करेंगे थोड़ा डार्क मोड पर और यहाँ पे मास्क कर देंगे नीचे वाली लेयर को। उसके बाद हम इसके ब्राइटनेस से प्ले करेंगे, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे और इसको भी नीचे वाली लेयर पे मास्क कर देंगे। मास्किंग से ये होता है कि आपकी जो भी आप पर आप फिल्टर अप्लाई करते हो और मास्क करते हो फिर तो वो सिर्फ उसी लेयर पे अप्लाई होती है, मना फिर पूरी पिक्चर पे अप्लाई होगी। इसको हमने मास्क कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम ब्रश लेके थोड़े से शेडो प्रोमिनेंट करेंगे, एक लेयर लेंगे और ब्लैक लेयर से थोड़े
शेडो प्रोमिनेंट करेंगे, सबसे पहले आप सॉफ्ट लाइट पर कन्वर्ट कर दें। हम ब्लर करेंगे थोड़ा सा ताकि ये इसके शेडो थोड़े से ब्लरी से हो जाए। इनको हम गॉशियन ब्लर या मोशन ब्लर कर सकते हैं। हम गॉशियन ब्लर अप्लाई करेंगे इस पर और इसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट करेंगे। जब आपको एरिया लगता है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया उसको आप लेदर से रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमने ये शेडोज बना लिया इसके और बिल्कुल सही इसका शेडो जो है इसके बिल्कुल नीचे और थोड़ा सा पीछे की तरफ पड़ना चाहिए। हमने शेडोज इसके यहाँ पे बना दिया। इसके बाद हमें इसकी जो टर्टल है उसको नीचे से थोड़ा सा बेस की प्रोमिनेंट करनी है। उसके लिए हमने ये जो फोर लेयर उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये मैंने सारे जो एसेट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए इन सबका, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करवा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो ये लेयर है फोर वो हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको हम कर देंगे वर्टिकल पोजिशन भी अप्लाई कर देंगे। इसके ऊपर हमने सेट कर दिया बिल्कुल इसकी जो लेयर है। अब इसको ब्लेंड करेंगे तो सबसे पहले इसके यहाँ से आप मास्क ले लें और ब्रश लेके इसको ब्लेंड करेंगे। हम ब्रश की ओपेसिटी थोड़ी सी 270 रख दें। मैं यहाँ से इस तरह के से ब्लेंड कर दूँ। लेयर को हम नीचे ले जाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया और इसकी एक और लेयर लेंगे इसको हम लोग और इसको हम फुल साइज पे ले जाएंगे। इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 30 और इसको सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से स्मूथनेस आ जाएगी। इसमें जो डेटल वाला एरिया है उसको हम वहाँ से मास्क डिलीट करेंगे। जो सी की लाइट है वो हमारे सरफेस पे आनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये पिक्चर डाउनलोड कराई हुई है। वो अपने अपने आर्टबोर्ड पे इंपोर्ट करवाएंगे और इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे अपने सरफेस पे और इसकी जो लाइट है वो सैचुरेशन बिल्कुल माइनस की तरफ ले जाएंगे। इसको हम कर देंगे ऑफ लाइट। तो ये इस तरह से इसके शेडोज और प्रोमिनेंट हो जाएंगे। हमारे टर्टल है वो थोड़ा सा जो ब्लेंडिंग है उसकी स्मूथ इतनी नहीं दिख रही है अभी, उसको हम थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे इसकी जो ब्लेंडिंग है। इसके लिए ये जो हमारा नीचे वाली लेयर है इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे। जो टर्टल है हमने इसको जो कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट के उस पर आप डबल क्लिक करें और इसको हम थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करेंगे। के लिए आप इसके फिल्टर्स पे जाके कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करें और इसको थोड़ा सा क्लैरिटी करेंगे। क्लैरिटी फुल कर दें, वाइब्रेंस थोड़ा से ये शार्पनेस से अप्लाई करेंगे हम। तो ये इस तरह से थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो गया टर्टल। ये बिफोर है, ये आफ्टर है। इसके बाद इस पर आप कंट्रोल जे एक और ले लें और इसको आप फिल्टर पे जाके अदर और हाई पास कर दें।
की जो वैल्यू है इसको 2.2 करेंगे इस तरह से और क्लियर हो जाएगा। सेव करें इसको। तो ये अब और ज़्यादा पिक्चर जो है प्रोमिनेंट हो गई है। उसके बाद हमें ये जो इसका वाइट और ब्लू जो इसकी टोन है वो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो इसको हम इसको आराम से ब्लेंड करेंगे। इसके लिए हम एक लेयर लेंगे और यहाँ से ये जो ब्लू कलर है इसको पिक करवाएंगे और इस लेयर पे तो सबसे पहले आप ऑफ लाइट पर कन्वर्ट कर दें। इसको अब हम ब्लू टोन देना स्टार्ट करेंगे, इस तरह से ब्लू थीम ओवरऑल ब्लेंड हो जाएगी। इसमें मैंने एक और लेयर ली है और उसको मैंने हार्ड लाइट में कन्वर्ट करके इसकी ओपेसिटी 10 कर दी है, तो ये थोड़ा सा और टोटल प्रोमिनेंट हो गया। अब हम इसको फिल्टर अप्लाई करेंगे इस पर, तो इसके सबसे पहले हमें इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर देना है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई, तो ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करेंगे उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। तो ये इस तरह से फिल्टर में ये थोड़ा सा अननेचुरल लुक लग रहा था, तो इसको हमने कन्वर्ट किया है, तो ये इस तरह से अभी शो हो रही है। उस पर हमने फिल्टर अप्लाई कर दिए हैं, ये और बेहतर रिजल्ट इसका शो हो रहा है। ये इसका पहले का रिजल्ट था, ये अब था इसके नेचुरल कलर्स में आ गया। अभी उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोज़ अपडेटेड मिलती रहें। थैंक यू।